sides. Ah, six. अभी हम लोग ना एक बार ये वाला इंडेक्स निकालना है, स्टार्टिंग में ही दिया है, ये सारे चैप्टर्स की लिस्ट दी है। इसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी और आरटीआई, ये तीन चैप्टर किए हैं। तो मैंने आपको आरटीआई दे, वो रजिस्ट्रेशन मैंने दे दिया आपको, जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए बता देना, मैं स्टैम्प वाला भी भेज दूंगा, ठीक है। पेज नंबर क्या है, जोश में हो पूरे। चलो जी करें स्टार्ट। तो ध्यान से सुनो, तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम लोग जे आई जी एल सभी को पता है, जूरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉस। तो इसके अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट। अब दिमाग में क्या आ रहा है, जैसे हमने ये नाम सुना टॉट का क्या लॉ, तो हमेशा जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो लिखा होता है एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, है ना, हमेशा एक्ट आता है। अभी लास्ट टाइम पे आरटीआई किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसमें एक्ट नहीं लिखा। तो क्या टॉट कोई एक्ट है?
तो नहीं है, होता तो लिखा होता ना, तो ये कोई एक्ट नहीं है। तो सबसे पहली चीज हो गई कि ये कोई एक्ट नहीं है। अब आप कहोगे सर जब ये एक्ट ही नहीं है तो फिर हम इसे लॉ के अंदर पढ़ी क्यों रहे, ये भी तो बात आती है दिमाग में, जब ये एक्ट ही नहीं है तो हम इसे पढ़ क्यों रहे। क्या मुझे बताओ हर चीज के लिए क्या बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, पर हमें ये कैसे पता लगे कि ये चीजें हमारे साथ क्या हो रही हैं, गलत हो रही हैं, ये चीजें हमारे साथ क्या हो रही हैं, गलत हो रही हैं, मतलब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ कुछ गलत किया जा रहा है और हमें इसके लिए रेमेडी मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी चीजों के लिए लॉ बने हो, ये जरूरी भी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा संजय दत्त को पकड़ लिया था भाई टाडा के अंदर, टाडा एक लॉ है टेररिस्ट एक्ट के अंदर, उसको पकड़ लिया था, क्यों, AK-47 मिली थी उसके पास, ठीक है, कसाब फांसी हुई, तो अलग अलग क्या है टेररिज्म के ऊपर धीरे धीरे करके क्या है एक्ट बने, जैसे डॉरी सिस्टम होता था शिखा, तो पहले से इसके लिए लॉ नहीं था, बाद में बना। तो ऐसा सर हो सकता है कि किसी चीज के लिए लॉ ना बना हुआ हो, और सर ऐसा भी हो सकता है कि लॉ बना हुआ हो। तो टॉट बस ये बताएगा कि भाई आपके साथ ये गलत हो रहा है, आप कोर्ट में जा सकते हो, फिर चाहे वो बात लॉ में लिखी है या नहीं लिखी है फर्क नहीं पड़ता, गलत है तो है। आ गई बात समझ में, गलत है तो है, कहानी खत्म। तो आपसे कोई पूछेगा टॉट का कोई एक्ट है, नहीं, फिर उसे भाई लॉ में पढ़ते क्यों है। सर बात ऐसी है कई चीजों के लिए लॉ बने हैं, कई चीजों के लिए लॉ नहीं बने, ऐसे पता लगे कि ये हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि टॉट वर्ड को अगर एक वर्ड में बोले तो टॉट वर्ड का मतलब होता है रॉन्ग, और रॉन्ग का मतलब ही क्या होता है, कुछ गलत होना, रॉन्ग वर्ड का मतलब ही क्या है, कुछ गलत होना। तो बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक। अब बनाएंगे इसके नोट्स। तो एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, एक्ट नहीं है ये कोई, पढ़ना क्यों है उसका रीजन मैंने आपको यहां पे बता दिया कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका रीजन मैं आपको डिस्क्लोज कर चुका हूं। तो लिखेंगे सेंटर में, रुक जाओ, सेंटर में लिखेंगे टॉन, और इस वर्ड का तीन पार्ट में बताया गया है, ये तीन पार्ट्स के अंदर शिखा डिवाइड किया है। नोट्स बना लो बेटा, शिखा नोट्स। पहला है लैटिन, पहला पार्ट कौन सा है, लैटिन पार्ट। किसमें, मैंने कॉपी नहीं लाया क्या, मुझे लगा मोबाइल पे बनाओगे नोट्स। तो पहला पार्ट क्या है, लैटिन है। दूसरा पार्ट क्या है, इंग्लिश, और तीसरा पार्ट है जी फ्रेंच, तीसरा पार्ट है फ्रेंच। तो लैटिन में बोलते हैं टॉटम, लैटिन में बोलते हैं टॉटम, इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्ग, और रॉन्ग का मतलब है सिविल रॉन्ग, वो आपको भी बताएंगे। और फ्रेंच में बोलते हैं टॉट, तो ये जो टॉट वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, एक बार बुक में आ जाएंगे।
कौन पढ़ेगा? मुस्कान पढ़ेगी। मुस्कान बहुत बढ़िया पढ़ते हो बेटा, पढ़ो। क्या बोल? ऐसा करो, ऐसा करो, ये चीज छोड़ो पहले। ये क्या, इन्होंने एक कहानी लिख दी है, ये चीज छोड़ो, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। द वर्ड टॉट, पहले इस पहले पैरा को समझते हैं। पहले इस पैरा को समझेंगे आराम से, प्यार से। दिख नहीं रहा है, देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या लिख, क्या हो गए? जो टॉट वर्ड है लिख लो। द वर्ड टॉट, द वर्ड टॉट इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। द वर्ड टॉट, हाँ जी, द वर्ड टॉट इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, फ्रॉम द वर्ड टॉटम, फ्रॉम द वर्ड टॉटम। आगे क्या बोलेंगे? इन इंग्लिश, इन इंग्लिश टॉट मीन्स रॉन्ग। इन इंग्लिश, इन इंग्लिश taught means wrong। And in French it is called taught, which is equivalent to wrong, which is equivalent to wrong, which is equivalent to wrong। Full stop। But every wrong or wrongful act is not a thought। But every wrong or wrongful act is not a thought, is not a thought। तो हर कोई गलत होना, wrong होना, गलत होना, रॉन्गफुल एक्ट होना, कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी होना, जरूरी नहीं है कि वो टॉट हो। हर कोई गलत चीज जरूरी नहीं है कि वो टॉट हो भी सकती है, नहीं भी, अभी बताएंगे। उसके आगे आप लिखोगे Tort is really a kind of civil wrong। Tort is really a kind of civil wrong। Tort is a kind of civil wrong, but it is not a criminal wrong, but it is not a criminal wrong, criminal wrong। Full stop। उसके बाद बोलो सिविल रॉन्ग, आइदर भी सिविल रॉन्ग कॉमा, आइदर सिविल रॉन्ग कॉमा, आइदर पब्लिक और प्राइवेट। सिविल रॉन्ग आइदर
पब्लिक और प्राइवेट, प्राइवेट को ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। प्राइवेट का मतलब दैट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। तो प्राइवेट किससे रिलेटेड होता है? इंडिविजुअल रिलेटेड होता है। आप पहले इसको पूरी कहानी को समझते हैं। टॉट का मतलब क्या है जी? गलत है। इंग्लिश में बोले तो टॉट का मतलब क्या है? गलत है। आपने कुछ गलत किया, आपने किसी के थप्पड़ मार दिए, पिटाई कर दी किसी की, सही किया गलत किया है? बताओ, आपने किसी की पिटाई कर दी, आप बाहुबली हो। हाँ, वो देखना पड़ेगा ना भाई, किस चीज के लिए किया है। आ गई बात समझ में? तो अब यह मान लेते हैं कि मान लो ऐसी कोई किसी ने मोबाइल छीन रहा था हमारा, तो हमने उसे थप्पड़ मार दिया, हम बाहुबली हैं, एक थप्पड़ मारा नीचे गिर गया वो, ठीक है जी, मम्मी मम्मी करने लग गया, हमने कहा भाग जा, भाग गया। तो ये सेल्फ डिफेंस था एक तरीके से। आ गई बात समझ में? पर क्या ये टॉट है या नहीं है, ये गलत है या नहीं है? हाँ, बाद में आएंगे। सिविल क्या होता है, क्रिमिनल क्या होता है, वो बाद में आएंगे। सिविल रॉन्ग क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, उसमें बाद में आएंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा, वो आपका मोबाइल छीन रहा था, इसलिए आपने उसके थप्पड़ मार दिया, आपने सही किया है गलत? मैंने कहा सही किया आपने, सेल्फ डिफेंस, सही किया आपने। पर ये टॉट है या नहीं है, बात ये आती है। तो ये उन दिनों की बात है स्टूडेंट, जब ये टॉट बना था तब नहीं माना जाता था, तब इसे टॉट नहीं मानते थे, पर आज इसे टॉट मानते हैं। कहाँ? बॉडीली हार्म। अभी आगे पढ़ोगे कि टॉट कितने टाइप्स के होते हैं। जहां चैप्टर खत्म हो रहा है वहां पे आप पढ़ोगे कि टॉट के क्या है टाइप्स है अलग अलग। जिसमें लिखा हुआ है आप देखोगे बैटरी, असॉल्ट, अभी आएगा ये रहा देखो, बैटरी होता है, असॉल्ट होता है, बॉडीली हार्म। क्या उसकी बॉडी को हार्म हुआ ही नहीं हुआ? आपके थप्पड़ मारने से दो दांत टूट गए उसके, या खून निकल गया उसका, जो भी है, मतलब बॉडीली हार्म हुआ या नहीं हुआ। क्या लिखा है? टॉट और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप्स के, काइंड्स ऑफ टॉट है ये, अलग अलग टाइप्स के क्या है टॉट। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई? अब वहां पे जो वर्डिंग लिखी थी, वहां पे जो वर्डिंग लिख, मैं मार्क कर लूं ना पेन से, वहां पे जो वर्डिंग लिखी थी वहां पे लिखा था कि टॉट का मतलब गलत, चीज गलत हो रही है, तो भाई ये गलती था। आगे बात समझ में? ये क्या था, गलती था। एक और एग्जांपल, आपके डॉगी ने बाहर, आपका डॉगी के साथ घूम रहा था, किसी बंदे ने क्या किया, कुछ हरकत की गलत, तो क्या हुआ, डॉगी ने उसे काट लिया। क्या मुझे बताओ, अब गलत हरकतें करेगा, ठीक है, हड्डी दिखाएगा डॉगी को, फिर उसके बाद जो भी है, मतलब या जो भी उसके साथ गलत कर रहा है, मतलब है, तो भाई काटनी ही आएगा तेरे को, किस पंगा लेगा किसी भी एनिमल से, प्यार से उसके साथ, मतलब ठीक है, फिर वो शायद आप, अब जैसे आपने सुना होगा, जैसे जंगल में कई बार चीता ये सब मिल दिख जाता है, सुनने में आता है कि ये इसने किसी को खा लिया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो तो क्या जंगल होता है, वो सोचते हैं हम ही राजा, ये उनको अनोखा लगता है ना, ये आदमी कहां से आ गए हैं। पर कई ऐसे लोग होते हैं, आपने नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल देखा होगा, वो लोग भी जंगल में जाते हैं, उन्हें ना कोई काटता है ना कोई कुछ करता है, उनके पास उसका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि भाई कैसे डील करना है एक एनिमल से, कैसे डील करना है। तो अगर आपके डॉगी ने किसी को काट लिया, बेवजह काटा या किसी वजह से काटा, भाई डॉगी तो किसी भी हो सकता है, कोई वजह है, हो सकता है कोई वजह नहीं, भाई आप अपना चल रहे थे, पीछे से काट के चला गया, क्या टॉट है या नहीं? टॉट का मतलब है रॉन्ग, गलत हुआ, अपने दिमाग में फंसा लो बस, गलत हुआ, कहानी खत्म।
टॉट है या नहीं है टॉट, पर हर कोई गलत चीज टॉट नहीं हो सकती। अब आया देखो आपका पॉइंट इधर मुस्कान, अब आपका पॉइंट आ रहा बेटा, हर कोई गलत काम जो हुआ है वो टॉट नहीं हो सकता, क्योंकि टॉट जो होगा बेटा या तो वो सिविल होगा या तो वो क्राइम होगा, क्रिमिनल नेचर का होगा। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है जो क्राइम की डेफिनेशन में आता हो, क्रिमिनल का मतलब क्या होता है जो क्राइम की डेफिनेशन में आता हो, कहां आता हो क्राइम की डेफिनेशन के अंदर आता हो। हमने कहा कि भैया टॉट का मतलब है कुछ गलत हो रहा है, किसी के आगे प्रोसीड करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एक सिविल होगा, एक सिविल रॉन्ग, और दूसरा क्या है क्रिमिनल रॉन्ग। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम कह रहे हैं क्रिमिनल रॉन्ग कब होता है, जब कोई क्राइम हो, क्राइम कब होगा जब आईपीसी के अकॉर्डिंग क्राइम होगा। आईपीसी एक कानून है, इंडियन पीनल कोड, ताजिराते हिंद, भारतीय दंड संहिता, आज मुझे पढ़ाना था इसलिए मेरे दिमाग में आया था टेक्स्ट में भी। तो आईपीसी उसे क्राइम मानता हो, एग्जाम्पल के लिए सिंपल क्या है, आईपीसी कहता है मर्डर कर दिया आपने किसी का, क्राइम। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया क्राइम, अब मुझे बताओ अच्छा किसी का मर्डर हुआ है सही, मतलब गलत हुआ है या नहीं हुआ है, मर्डर होना गलत है या नहीं है, गलत है, किसी का मर्डर हो गया। सर उसने हमारे ऊपर हमारी खोपड़ी में बंदूक रख दी थी, सेल्फ डिफेंस, रुस्तम, रुस्तम मूवी या जो भी है, मतलब जिसमें रुस्तम में तो ऐसा होता नहीं है कि वो सेल्फ डिफेंस, वो खुद ही मार के आ जाता है, पर कहीं ऐसी मूवी में देखा होगा आपने कि बंदा सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को गोली मार देता है, या उसने हमारे ऊपर बंदूक ऐसे कर रखी थी, हमारे हाथ बाहुबली के, हमने ले उल्टा किया, ले भाई तू ही गया काम से। पर गलत हुआ है या नहीं है, गलत तो है, पर इस गलत को टॉट नहीं बोलेंगे, क्यों, ये क्राइम की डेफिनेशन में आ रहा है। अब लॉ को पढ़ना सीख रहे हो, मैंने पहले कैसे सिखाया, मैंने कहा कुछ भी गलत होगा टॉट होगा, कोई भी रॉन्ग चीज हुई है, कोई भी गलती गलत हुआ है वो टॉट है। फिर हमने पढ़ा कि जो भी गलत हो रहा है, एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्टिविटी टॉट, जरूरी नहीं है कि वो टॉट हो। फिर पता कहां से लगा कि जरूरी नहीं है, वो कि सर जो टॉट है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, सिविल और क्रिमिनल के अंदर। सर क्रिमिनल का मतलब है क्राइम, सर क्राइम जो वर्ड है ये डिफाइन है आईपीसी में, ये कहां डिफाइन है। अब आपने तो अभी आईपीसी पढ़ा नहीं है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये चीजें क्राइम है या नहीं है, जब टॉट पढ़ लोगे पता लग ही जाएगा। तो अभी दो तीन क्लास का वेट करो, टॉट दो तीन क्लास चलेगा, वैसे कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में खत्म हो। मैं सोच के आया हूं कि आज 50% इस चैप्टर को खत्म करवा दूंगा, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, इजी लॉ है, स्कोरिंग है। अब मान के चलो कम से कम 5 नंबर का ये चैप्टर आना ही आना है, चाहे कुछ हो जाए, हर अटेम्प्ट में आता है, 10 का आ जाए तो बल्ले, फिर तो लॉलीपॉप भाई साहब लड्डू है। तो सर मर्डर हो गया ना, सर गलत तो हुआ सर, पर सर इसे टॉट नहीं मानेंगे, ये रॉन्गफुल एक्टिविटी टॉट नहीं है, क्योंकि ये क्राइम की डेफिनेशन में आ रहा है। तो हमें यहां पे क्या पढ़ना है, जितने भी सिविल रॉन्ग है, और वो सिविल रॉन्ग किससे रिलेटेड होंगे, मैंने बताया ना सिविल रॉन्ग आइदर, सिविल रॉन्ग आइदर क्या होगा, पायल नहीं आई आज, वो सेकंड ग्रुप में, वेरी वेरी गुड, पब्लिक और प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब क्या, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड, और पब्लिक का मतलब क्या, कि कोई भी पनिशमेंट है, पनिशेबल अंडर आईपीसी, आईपीसी के अंदर उसे पनिशमेंट मिलती है।
इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड। और सिविल रॉन्ग में लिखना, सिविल रॉन्ग में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है डैमेज, एक होता है डैमेज और दूसरा होता है इंजरी, दूसरा होता है इंजरी। डैमेज का मतलब होता है बेटा एक्चुअल लॉस, डैमेज को बोलते हैं एक्चुअल लॉस। और इसके अंदर इंफ्रिंजमेंट भी आ जाता है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। देखो आप कितने, ये चार्ट बनाने में मेहनत लगती है, अब ये थोड़ी ना किसी किताब में कहीं मिलेंगे, ये बनाने में मेहनत लगती है, चीजें हमारे दिमाग में धीरे धीरे क्लियर, तो बेस बनाने में थोड़ा सा क्या है टाइम लग जाता है। लिख लिया हो ना मेरे को बता देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इंजरी और इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, प्रिया इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, समझाऊं? सबसे पहले क्या देखा, टॉट, लैटिन में टॉटम, इंग्लिश में रॉन्ग, फ्रेंच में टॉट, लिख के आ जाएंगे। हाँ सर लिख के आ जाएंगे। सर हर कोई टॉट या हर कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी टॉट नहीं होती, क्योंकि सर जो क्राइम होगा वो टॉट नहीं माना जाएगा, जैसे सर किसी का मर्डर हो गया। अब आगे चलते हैं। सर सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग में हमने क्या बोला, डैमेज है, एक्चुअल में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सिविल रॉन्ग के अंदर क्या बोला हमने, डैमेज है, एक्चुअल में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, या इंजरी है और इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स है। पहले मैं सिखा इसी का एग्जांपल देता हूं बेटा, इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल, इसका एग्जांपल है वोटर, वोटर आईडी, मतलब इलेक्शन है। अब इलेक्शन में आपको वोट देने का राइट है या नहीं है, है। मान लो आपका वोटर आईडी है और पोलिंग बूथ में आपका नाम भी लिखा हुआ है, वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है, आपको राइट है भाई वोट देने का। पासपोर्ट, आप बाहर जाना चाहते हैं अमेरिका, क्या आपके पास राइट है या नहीं, फ्रीडम है ना हमारे पास, हम जहां मर्जी चाहे जाना चाहें इस देश से बाहर, तो पासपोर्ट अथॉरिटी को हमें क्या करना चाहिए, वीजा लगा, मतलब हमारा पासपोर्ट बनना चाहिए, फिर वीजा लगे या ना लगे वो कहानी अलग है, पर पासपोर्ट तो कम से कम एटलीस्ट बनना चाहिए हम लोगों का। ऐसा अगर नहीं हो रहा, मतलब मुझे वोट नहीं देने दे रहे, या मुझे एक कमरे में बंद करके रख दिया, कह बाहर नहीं निकलेगा तू, क्या राइट ऑफ लिबर्टी, क्या मेरे राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे राइट्स मुझसे इंफ्रिंजमेंट का मतलब छीने जा रहे हैं मेरे राइट्स मुझसे, प्रिया करी सर गलत हो रहा है, इट इज अ सिविल रॉन्ग, ये सिविल रॉन्ग है, ये क्या है, सिविल रॉन्ग है, ये क्राइम की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो मेरे राइट्स को, मेरे लीगल राइट्स को छीना जा, मेरी प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने, कोर्ट में मैं केस भी जीत गया, श्वेता मुस्कान कोर्ट में, शिखा मैंने केस जीत लिया, कोर्ट ने मुझे बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी, रहो इसमें, पर वो दो दबंग आदमी, बदमाश आदमी है, वो वहां डेली आके शाम को बैठ जाते हैं और मुझे मेरी प्रॉपर्टी से धक्का मार के निकाल दिया है, क्या इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट हुआ या नहीं, हो गया, तो क्या ये टॉट है, यस ये तो टॉट है ही। डैमेज क्या है, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस कैसे हो गया, कि भैया आपके ड्राइवर ने रास्ते में किसी को ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया,
तो एक्सीडेंट क्या है? एक्चुअल लॉस है, उसकी बॉडी डैमेज हो गई है। आपकी प्लानिंग है, ये आदमी इतने बजे इस क्लास से बाहर निकलेगा, ये रोड पार करेगा इस टाइम पे, इसको उड़ा देना है, ये क्राइम में आएगा। अच्छा एक मिनट, अभी प्रिया आपने सोचा ही तो है किस आदमी को इतने बजे यहां से गाड़ी से क्या करना है, उड़ा देना है भाई साहब, ऐसा उड़ाना है ये मर जाए, मतलब अदरवाइज मत लेना कोई भी चीज। अभी आप सोच रहे हो ना, अभी तक वो चीज हुई नहीं है, तो उसको बोलते हैं मैंस रिया। क्या बोलते हैं? मैंस रिया, गिल्टी इन माइंड, गिल्टी इन इंटेंशन। रुक जाओ, दिखाता हूं कहां है। ये रहा मैंस रिया। क्या बोला है? हाउ फार अ गिल्टी माइंड ऑफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर अ लाइफ फॉर टॉट। पढ़ना इसे मुस्कान। मैंस रिया को एक लाइन में क्या बोलते हैं? गिल्टी इन माइंड, गिल्टी इन माइंड और गिल्टी इंटेंशन। ये क्या है? मैक्सिमम है एक, ठीक है ना? तो अभी हम देखेंगे, अभी हमें देखना है कि मैंस रिया का मतलब क्या है। गिल्टी इन माइंड, एक वर्ड में बोलें गिल्टी इन माइंड और बैड इंटेंशन, लिख लो आप। मैंस रिया का मतलब गिल्टी इन माइंड और बैड इंटेंशन, और बैड इंटेंशन। जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था तब मैं बहुत बोला करता था मैंस रिया, मैंस रिया। तो मैंस रिया का मतलब क्या है? गिल्टी इन माइंड, गलत सोच है उस पर्सन की, बैड इंटेंशन है उसकी कि मुझे ऐसा कुछ गलत काम करना है इस पर्सन के लिए, अगेंस्ट। मैंस रिया जो है वो टॉट है या नहीं? हाँ जी, मैंस रिया टॉट है या नहीं? तो वो टॉट है, बट अभी हम आएंगे कि इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मैंस रिया के अंदर क्या है? कुछ प्रिंसिपल हैं। एक है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। बात करेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, और उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है। तो अभी के लिए क्या है जी, इन जनरल मैंस रिया भी क्या है? एक टॉट है कि ये सोचना मैं इस आदमी को मार दूंगा। आपने वो दे दिए, पैसे दे दिए, वो क्या करते हैं? फिरौती दे दी, क्या बोलते क्या उसको, सुपारी। हाँ क्या बात है प्रिया, गुड। सुपारी दे दी भाई आपने, इस आदमी को मार डालना, इतने बजे निकलेगा ये, ठीक है जी, इसको मार देना। अच्छा अभी मारा नहीं है, सुपारी दी है। कई बार देखो को लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, बदल जाता है ना वो, फोन कर उसको, फोन कर, नहीं मारेगा उसको, मारना नहीं है। अब जो मारने जाता है वो क्या बोल दे, मार दिया मैंने, है ना, ऐसा हो जाता है। तो मेरा तो बस ये है कि अभी आपने सुपारी दी है, मारा नहीं है, मैंस रिया है या नहीं है, है ना? वो बैड इंटेंशन आपके, चाहे वो मारा या नहीं मारा, सोचा ना आपने ऐसा। आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, कुछ भी आप ऐसा गेम खेल रहे हो,
और खेलते खेलते क्या हुआ भाई, वो बॉल किसी के मतलब गाड़ी का कांच तोड़ दिया या घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया, कुछ हो गया ऐसे, क्या वो मैनसरिया है? वो मैनसरिया नहीं है। आपने आप अनइंटेंशनल आपने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, वो मैनसरिया नहीं है। मैनसरिया कब होता है? जब आप वो कुछ गलत सोच लेते हो तब वो मैनसरिया की डेफिनेशन में आता है। जब तक आपने कुछ गलत सोचा ही नहीं वो मैनसरिया की डेफिनेशन में नहीं आएगा। पर अगर मान लो ऐसा होता है कि खेलते हुए किसी की कार का शीशा तोड़ देते हो या किसी के सर पे लग जाती, मान लो हार्ड बॉल है, खून निकल गया किसी के, लग गई, क्या वो टॉट है? टॉट तो है, गलत तो हुआ है, बॉडी हार्म है ना, जैसे लग गई खून निकल गया, बॉडी हार्म हो गई भाई साहब। तो ये चीजें भी हमें समझ में आ रही हैं सर, ठीक है। वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो पहले इतना समझ में आ गया, जो सिविल रॉन्ग होगा वो टॉट होगा, जो क्रिमिनल होगा वो टॉट नहीं होगा। किसी का मर्डर किया है, अब चाहे उसमें मैनसरिया था या नहीं हमें कोई फर्क नहीं, मर्डर कर दिया ना आपने, एवरी टॉट इज नॉट अ मैनसरिया। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ने से पहले यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या बोला है? ये पढ़ो मुस्कान, क्या बोलता है? क्या समझ में आया? आप इंडिया गेट पे जॉगिंग कर रहे थे या वॉक कर रहे थे और आपने देखा एक लड़की जो है वो गटर ओपन हो रखे होते हैं वो गोल वाले, और वो उसके अंदर गिर गई। प्रैक्टिकली हुआ ये इंडिया गेट के पास, प्रैक्टिकली हुआ, बहुत साल पहले हुआ, मतलब कि आप मान के चलो आज से 15 साल पहले ऐसा हुआ। एक लड़की वहां पे उसके अंदर गिर गई और गिरने के बाद कुछ बूढ़े से लोग थे चार, उन्होंने उसको बाहर निकाला और उसको बहुत डैमेज हुआ उसको बॉडी। क्या मुझे बताओ पहली बात कि ये रॉन्ग है या नहीं है, गलत हुआ है या नहीं हुआ है? अंजलि कौन है? अच्छा हाँ अंजलि बेटा क्लास चल, हाँ जी हाँ जी बताइए। हाँ जी हाँ जी बोलिए बेटा। पायल अभी नहीं आई है, वो कोई आया था पूछने के लिए, अभी तक तो नहीं आई है। है क्लास है बेटा, 1:30 बजे का टाइम है ना आज की क्लास का, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी 100% ओके ओके ओके। वो स्टूडेंट का फोन है, उठाना भी जरूरी है। वो पता नहीं पायल निकली होगी, वो अभी यहाँ पहुंची नहीं। चलो तो कहानी हमारी कहाँ थी, मैं भूल गया। हाँ वो लड़की वहां गिर गई और चार लोगों ने निकाल लिया, उसकी बॉडी को बहुत डैमेज हुआ। अब मुझे ये बताओ क्या गलत हुआ या नहीं हुआ? गलत हो गया। अब जो ये गलत हुआ ये सिविल रॉन्ग है, ये क्या है? सिविल रॉन्ग है। अब सिविल रॉन्ग के अंदर ये क्या है जी? पब्लिक है। ये जो रॉन्ग है ये क्या है? पब्लिक है। देखो पब्लिक में क्या होता है, जो पनिशेबल होता है अंडर द पीनल लॉ, मतलब कि आईपीसी के तहत क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। अब आप सोच रहे थे यार सर जो आईपीसी में आता है वो तो क्राइम नेचर का होता है सर, वो तो टॉट में आता नहीं, नालायक है तू। हम ये कह रहे थे कि क्राइम की डेफिनेशन में आएगा तो हम उसे क्या है टॉट में नहीं लेंगे, पर ये उसकी एक्सेप्शन बन गया ना, ये उसकी क्या बन गया? एक्सेप्शन बन गया कि सर ये जो पनिशमेंट है ये आईपीसी के अंदर इसका पनिशमेंट है कि ये जो रॉन्ग हुआ है ये पब्लिकली रॉन्ग हुआ है। ये पब्लिक का मतलब क्या है कि कोई स्टेट है, पब्लिक का मतलब क्या है? जो वो गलत एक्टिविटी हुई है वो किसके अगेंस्ट है? स्टेट। स्टेट कहां पे डिफाइन है? आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
स्टेट का मतलब क्या है, आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आज एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, 40 मिनट की, एक घंटे की वीडियो है, जिसमें मैंने स्टेट का मतलब बताया हुआ है, स्टेट का मतलब क्या होता है। अभी के लिए स्टेट का मतलब क्या है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सीधी और सिंपल सी बात, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या है, स्टेट है। जैसे वो पासपोर्ट का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, भैया स्टेट है। अब मुझे बताओ, वो पासपोर्ट वाले आपका पासपोर्ट नहीं बना रहे और कोई वजह नहीं बता रहे, तो क्या आप उनके अगेंस्ट केस कर सकते हो? यस, भले ही उसके लिए कोई कानून बना है या नहीं बना हुआ, टॉट है, गलत हुआ है हमारे साथ, हम आरटीआई क्या डालोगे उसमें, आरटीआई ये डालोगे, रीजन बताओ। अब वो रीजन तो बता नहीं रहे, वो रीजन तो बता नहीं रहे। बच्चे ने आरटीआई पढ़ा, बच्चा कह रहा आरटीआई का यूज करेंगे, सही कह रहा है, मतलब चलो आरटीआई डाल लिया आपने, उन्होंने रीजन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं, फिर आपने सीआईसी में भी कर दिया, उन्होंने भी कोई मतलब वो तो एक्शन लेंगे यार, सीधी बात है, वो एक्शन लेंगे आपका। हाँ, तो पब्लिक कब आता है, जब स्टेट के अगेंस्ट कोई बात हो रही हो। वो लड़की वो गटर में गिर गई, तो भाई वो तो स्टेट की गलती है ना, वहां की कौन, जो लोकल अथॉरिटी है, जो एमसीडी है वहां की लोकल, उसको ध्यान रखना था, ये क्या ड्रामे, और धुंध हो रखी थी भाई, फॉग थी, नहीं दिखा इसको, जान बुझ के कौन गिर रहा, अपनी बॉडी को डैमेज कौन करेगा भाई, गिर गई हो। मेरे भाई के साथ भी हुआ था एक बार, मेट्रो में उसकी वाइफ आ रही थी इधर से, और दूर से उसने वाइफ को देखा, तो वो आगे नहीं देखा उसने, वो गिर गया, और वो क्या था कि वो हल्का था, आधा हो रखा था, तो इसलिए उसका बस पांव फंसा तो निकल गया, तो मतलब डैमेज कुछ हुआ नहीं, पर चाहे तो फिर भी केस कर सकता था कि मुझे लगी तो है भाई चोट, थोड़ी बहुत चोट आई, और फिर उस चोट के अंदर उसे कंपनसेशन तो मिलता ही, और अलग से मेंटल पीस मेरा खराब हुआ, वाइफ से मिलने जा रहा था, ठीक है, मेंटल पीस खराब कर दिया, उसके बाद हमने कहीं जाना था, मूवी देखने जाना था या कहीं घूमे, तुम्हारी वजह से फिर देखने नहीं जा पाए, मेंटली और वैसे भी डैमेज हो गया, दो दो चीज। तो जिन्होंने लॉ पढ़ा है भाई, वो अच्छा खासा चाहे तो बहुत कुछ कर सकते। तो स्टेट का मतलब क्या है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो उस लड़की का सारा खर्चा किसने दिया, एमसीडी ने वो सारा खर्चा पे किया, वो सारा खर्चा, और अलग से कंपनसेशन भी दिया भैया उसकी। अब तुम 3 महीने बेड पे पड़े हो, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, कंपनसेशन दे दिया, खर्चा दे दिया, देखा जाए तो ये कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है यार, उसको डैमेज हो गया वो एक बड़ी चीज थी, है ना, समझे। आप पढ़ रहे हो, फीस दे रहे हो, वो ठीक है, पर ये टाइम जो है ना, ये बड़ा मैटर कर रहा है कि इस टाइम पे आपको सही एजुकेशन मिल रही है, वो एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला चाहे कुछ हो जाए। तो हर एक दिन का हिसाब रखना चाहिए, जैसे मैं रखता हूँ, क्लास में कोई आए ना आए, अपनी भाई पढ़ाई करो, डिसाइड किया ना पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है जी। तो पब्लिक का मतलब समझ में आया या नहीं आया, कि सर ये स्टेट की बात कर रहा है, पब्लिक का मतलब है ये स्टेट, और स्टेट का मतलब क्या है वहां पे, आर्टिकल 12। स्टेट का मतलब क्या है, आर्टिकल 12, किसका आर्टिकल 12, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। अभी एक दो बच्चे नहीं आए, पर पता होगा बच्चों को, जिन्होंने भी मेरे को बोला था कि सर मुझे बैकअप चाहिए, मैंने बैकअप भेजा उनको, ठीक है ना। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, असाइनमेंट भेजना था, मैंने असाइनमेंट भी भेजा था। अब जैसे आज का असाइनमेंट होगा वो भी मिलेगा आपको, इन केस नहीं आता है, जैसे मान लो रात को 10 बजे नहीं आया, भाई आप व्हाट्सएप कर दो, आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आएगा पक्का, चाहे कुछ हो जाए। तो यहां तक पिक्चर क्लियर है, टॉट टॉटम, लैटिन में टॉटम, इंग्लिश में रॉन्ग, फ्रेंच में टॉट। फिर सर ये जो रॉन्ग है इसके अंदर सिविल भी है क्रिमिनल भी है, सर क्रिमिनल जो है वो क्राइम है आईपीसी के अंदर, फिर सर सिविल रॉन्ग है उसके अंदर सर क्या होता है, सर डैमेज होता है, इंजरी होती है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट होता है, लीगल राइट होता है। फिर सर वो प्राइवेट में भी आता है, पब्लिक में भी आता है, पब्लिक वाला स्टेट में आता है, जो कि पनिशेबल होता है पीनल कोड में, पीनल कोड का मतलब आईपीसी के अंदर। और प्राइवेट का मतलब क्या है बेटा, जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, आपने किसी के थप्पड़ मार दिए, ठीक है, या आपके डॉगी ने किसी को काट लिया, या आपने किसी का शीशा तोड़ दिया, तो भाई उसके लिए आपके पापा लायबल होंगे, या आप कितने कैपेबल हो देने के, तो आप लायबल होंगे, समझ गए।
एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट टॉट हो रहा है और एक स्टेट के अगेंस्ट टॉट हो रहा है, क्योंकि स्टेट कुछ गलत कर रहा है। सर समझ में आ गया? अब देखो, पढ़ती ना सारी दुनिया है, पर एक एक लाइन की तोड़फोड़ कोई नहीं करता। मैं ऊपर पढ़ लो, हिंदी हो गई, चलो भाई समझ में आ गया। अब टॉट को जो डिफाइन किया गया ना बेटा, वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर, अगर मैं इसकी बात करूं तो लिमिटेशन एक्ट, ये क्या हो रहा है, ये ले लेते हैं। तो जो टॉट को डिफाइन किया गया वो कहां कहां पे डिफाइन किया गया? नंबर वन लिमिटेशन एक्ट में, नंबर टू सलमंड डिफाइन किया है, सलमंड ने प्रेशर से भी डिफाइन किया गया, बताएंगे ये क्या है, और विंडफील्ड ने भी कुछ बोला है, ये क्या है, कुछ लोगों के नाम है, खतरनाक नाम। लिमिटेशन एक्ट तो एक कानून है जो कहता है टॉट मींस, पढ़ दो, क्या मतलब, हाँ जी क्या मतलब, नहीं मुझे पता था, समझ में नहीं आया होगा, दोबारा देखो दोबारा। नॉट एक्सक्लूसिवली, अब कुछ सोच पा रहे हो लग रहा है ऐसा, टॉट केवल यहीं तक सीमित थोड़ी ना है कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है या आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, टॉट उसके बियॉन्ड है। मतलब कि जो टॉट है वो एक वाइडर टर्म है, टॉट क्या है, एक वाइडर टर्म, आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, टॉट इज अ वाइडर टर्म, इट इज नॉट ओनली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो उससे भी ज्यादा है। समझ में आया या नहीं आया? मेरे एग्जाम में कई बार बच्चे मुझे बोलते थे, भाई तू तो ना एक एक वर्ड में इतना टाइम लगा देता है, मैं एग्जाम में आ जाए टॉट क्या होता है 10 नंबर का, मैं किसी बच्चे की हिम्मत नहीं लिख के दिखा दे, जबकि पढ़ा पूरा चैप्टर है, एक टॉट वर्ड को 10 नंबर में लिख नहीं पाएगा। यहां आप पहले टॉट की वो पूरी कहानी, उसके बाद टॉट चार तरीके से डिफाइन है, लिमिटेशन इधर इसने किया उसने किया, ले भाई फिर एक केस लो, ले भाई अब दे 10, प्रिया करी 10 देगा सर, देने पड़ेंगे ना, मजबूर कर दिया उसको नंबर देने के लिए। जबकि देखो ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन, फिर सर रहने दो ये छुड़वा दो आगे पढ़ लेते हैं, हाँ तो पेपर तो मैंने ही सेट किया है, मैं ऐसा ही करता हूं, कल से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर में वही आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, आप कर लोगे मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ पेपर चैप्टर खत्म होगा, इंपॉर्टेंट बता दूंगा एग्जाम के लिए। आगे सेकंड मुस्कान क्या बोलता है, सेलमंड क्या बोलता है, ये देखो दो वर्ड आ रहे हैं, एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज, क्या मतलब अनलिक्विडेटेड डैमेज, ये सैंडमंड डिफाइन कर रहा है कि जो सिविल रॉन्ग है फॉर विच रेमेडी मिलेगी, कोई सिविल रॉन्ग हुआ, सिविल रॉन्ग हुआ आपको पता लगी गया, या तो स्टेट ने किया वो टॉट या किसी इंडिविजुअल ने वो टॉट किया। सिविल रॉन्ग का मतलब या तो कोई इंडिविजुअल कर रहा है, इंडिविजुअल का मतलब प्राइवेट और स्टेट का मतलब पब्लिक, तो कोई, मैं जब भी सिविल रॉन्ग बोलूं आपके दिमाग में दो चीज, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट, सिविल रॉन्ग, तो वो सिविल रॉन्ग हुआ है चाहे पब्लिक हुआ है चाहे प्राइवेट हुआ है। अनलिक्विडेटेड डैमेज इसका मतलब क्या होता है, देखो एक कंपनी वाइंड अप होती है, पता होगा एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, तो सर क्या होता है उसकी एसेट और लाइबिलिटीज क्या की जाती है, एसेट और लाइबिलिटीज क्या की जाती है, एसेट्स रिलाइज की जाती है, लाइबिलिटीज पे ऑफ की जाती है। मुस्कान यही बात है ना, एक कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है,
तो जितने भी उसके क्रेडिटर्स हैं उन सब की, जितने भी उसके ड्यू हैं उन सब की पेमेंट होगी। क्या मुझे बताओ, जो सिविल रॉन्ग हुआ है, चाहे पब्लिक हुआ है चाहे प्राइवेट हुआ है, उसके अंदर पहले से पता है क्या कितना डैमेज है? वो तो क्या है, अनसर्टेन है। देख लेते भाई, किसी बच्चे का लग रहा है मुझे तो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ना अभी आप बस, हाँ जी हाँ जी, मेरे, मैं ना अभी बस क्लास में हूँ, मैं अभी क्लास में हूँ, आप फोन उठाना भी ना कई बार बड़ा खतरनाक काम हो जाता है, स्टूडेंट का फोन समझ के। आपका अगर कभी फोन ना उठाओ ना तो आप लोग क्या करोगे, मैसेज, वो सबसे अच्छा रहता है। आ गई बात समझ में? लो मुस्कान, ये एक बार ले लो मोबाइल, उठा के बोल देना अभी सर क्लास में, बाद में बात कर लेंगे। अब वो एक बार फोन उठा लिया ना, आप बाहर जाके बोल दो आराम से। तो अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या है कि अभी अनसर्टेन है डैमेज। लायबिलिटी क्या है, अनसर्टेन है। अब वो लड़की जो गिर गई, गटर में गिर गई थी, जो उसका डैमेज है वो क्या है, अनसर्टेन है, कितना डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है। थैंक यू। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक तो ना साइलेंट भी नहीं कर सकते किसी का भी फोन आ जाए। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब लिखो अनसर्टेन लायबिलिटी। लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब क्या होता है, सर्टेन लायबिलिटी। एक सर्टेन है ना, एक जी मुझे बताओ, एक कंपनी वाइंड अप में है, क्या सर्टेन होती है लायबिलिटी की, भैया इतने लोगों को पैसे देने। अपना लो, आपने कोई बिजनेस खोला, शटर बंद कर रहे हो, बंद करने का मतलब अब नहीं करोगे वो काम, क्या आपको पहले से पता होगा किसको कितने पैसे देने, वो थोड़ी ना कोई अनसर्टेन होता है। ये तो अनलिक्विडेटेड डैमेज, क्योंकि अभी पता नहीं है भाई सामने वाला कितने डैमेज मांग ले। वो कुत्ते ने काट लिया, आपने कहा चल भाई तेरे 14 इंजेक्शन मैं ही लगवाऊंगा, वो कह रहा 14 तो लगवाएगा और भी बहुत काम है। ठीक है, डेली की मेरी इनकम है 5,000 रुपए, वो भी दे, क्योंकि अब ये डॉगी ने काट लिया, मेरे को घर बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कहानी। अगला, ये फैसर क्या बोलता है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रीम। राइट इन रीम का मतलब समझते हो, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। ये लिखा नहीं जा रहा, आप लिख लेना, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, राइट इन रीम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट फॉर इंजर्ड पार्टी। भाई एक चीज मुझे बताओ, आपकी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी जाए करो उस प्रॉपर्टी में, क्या राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है या नहीं आपके पास? आपके पास राइट अगेंस्ट क्या है, होल वर्ल्ड है। आपकी प्रॉपर्टी है, जो करना है करो। आगे की बात सुनने, क्या आपके पास यहां पे राइट इन रीम है? नहीं है। यहाँ कोई आपके पास राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड थोड़ी ना है। जिस काम के लिए आए हो वही बैठो, अपनी क्लास लो और फिर अपना निकल लो। आगे जी बात समझ में,
तो कह रहा है फ्रेसर फासर डिस्क्राइब करता है इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रीम। तो हमारा जो इंफ्रिंजमेंट हुआ है राइट, वो कौन सा राइट इंफ्रिंजमेंट हुआ है? जहां पे हमें राइट था होल वर्ल्ड के अगेंस्ट, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट हमें राइट था ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। अब देखो राइट किसको है? प्राइवेट इंडिविजुअल को है। गिविंग अ राइट फॉर कंपनसेशन, अगर कोई इंजर्ड करता है उस पार्टी को तो वो सूट कर सकता है उसके अगेंस्ट। भाई आपकी प्रॉपर्टी किसी और ने कब्जा कर लिया आपकी प्रॉपर्टी में, तो आप सूट फाइल कर सकते हो उसके अगेंस्ट। क्या मैं बोल सकता हूं? देखो टॉट में क्या हो रहा है, सबसे पहले जो ये लिमिटेशन एक्ट में बोला तो उसमें बोला कि टॉट एक वाइडर टर्म है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, केवल यहीं तक नहीं है, बहुत वाइडर टर्म है। केवल ये नहीं कि आप दो वर्ड बोल दो भाई बन गया टॉट, नहीं, बहुत वाइडर टर्म है। फिर सेटलमेंट के अंदर बोला कि भाई जो वो डैमेज जो है, जो सिविल रॉन्ग हुआ है उसके अंदर जो डैमेज हुआ है वो अनलिक्विडेटेड है, इंजरी हुई है उसको, मेंटल पीस खराब हुआ, जो भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, थोड़ी ना हुआ कि कितना तो वो कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे होल्ड वर्ल्ड के लिए क्या होगा, आपको आपकी प्रॉपर्टी है तो होल्ड वर्ल्ड के अगेंस्ट आपके पास राइट है, जो करना चाहो करो। अगर कोई आपको इंसर्ट करता है उस चीज के लिए तो आप तो सूट फाइल कर, सूट समझते हो ना, केस करना उसके अगेंस्ट। बाकी डिटेल में बताएंगे कि सूट जो वर्ड है वो होता नहीं है लॉ में, सूट नहीं होता है। वो भी नहीं होता। उसके बाद कोई पूछे कि लॉ में किसी के अगेंस्ट केस करते उसको बोलते हैं प्लांट, क्या बोलते हैं? प्लांट। एक वकील के यहां में बैठा हुआ था, बहुत सीनियर एडवोकेट था, 45 साल हरियाणा में बैठा हुआ था, तो वो दूसरा एक वकील कि हमने क्या कर दिया, केस कर दिया। तो मेरी आदत है थोड़ा सा बोलने की, मैंने कहा अच्छा प्लांट कर दिया आपने, तो जो बंदा बैठा हुआ था धनराज ऐसी मतलब जो भी नाम था उसका, तो कह रहे अच्छा आप कौन हो? तो फिर बताया मैंने, ये कह रहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये नालायक लोग हैं, सूट सूट चिल्लाते रहते हैं, सू चिल्लाते रहते हैं, ना सू नाम की कोई चीज़ है ना सूट नाम की कोई चीज़ है, लीगली नहीं है ये चीज़ें। जैसे होता है ना रेड मार ली किसी के घर में, इनकम टैक्स रेड कहीं पे इनकम टैक्स में है ही नहीं, आप पूरा इनकम टैक्स डाउनलोड कर लो, कंट्रोल ऐप कर लो, कहीं पे रेड वर्ड आ जाए बता देना, कहानी करती, यही सिंपल तरीका ना देखने का, इंस्पेक्ट करना होता है। हाँ, या सीजर, सीजर बोलते हैं हम लोग उसको इनकम टैक्स में, तो सीजर बोलते हैं रेड को। आगे बात समझ में कि भैया हम सीज करने गए हैं चीजें। बहुत अच्छा आपने पूछा, PLANT, ठीक है ना? तो प्लांट आपने क्या कर दी, फाइल कर दी। अब जब आप किसी के अगेंस्ट क्या फाइल करते हैं, प्लांट फाइल करते हैं, शिखा, और जो कोर्ट है वो एडमिट कर ले आपकी प्लांट को, तो आप बन जाते हैं प्लांटिफ, तभी तो नाम है प्लांटिफ। सुना होगा प्लांटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है, एंट्रेंस एग्जाम तो आपने भी पास किया, या फाउंडेशन फाउंड, फिर तो आपको पता ही है कि जो केस करता है वो प्लांटिफ होता है, जो सामने डिफेंड करता है वो डिफेंडेंट होता है। तो जब सिविल रॉन्ग होता है तो उसके अंदर प्लांट होती है, और जब कोर्ट उसकी प्लांट को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसे मानते हैं कि भैया, मतलब कॉमन वर्ड में बोलें तो उसके अगेंस्ट क्या है, हमने केस कर दिया, केस हमारा दर्ज हो गया। अब क्या होगी, तारीख, ट्रायल चलेगा, अब हियरिंग होगी, तो पार्टी जो करती है उसको प्लांटिव और सामने वाले को डिफेंडेंट। पर अगर वही मर्डर का केस हो तो फिर प्लांट भी नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं, कंप्लेन, लिख लो, फिर क्या बोलते हैं, कंप्लेन। और कंप्लेन में क्या होता है, कंप्लेनेंट, और सामने क्या होता है, एक्यूज्ड, आरोपी, एक्यूज्ड। तो बंदा होता है, ये मैं आपको सीपीसी सीआरपीसी के अंदर पढ़ाऊंगा सारा, ये तो बस अभी एक बात आई थी, बात निकल गई दूर तक, दूर तक चली गई प्रिया, ये बात छोटी सी बात निकली थी सूट में, एक ही वर्ड में मतलब टाइम लगाना हो तो बहुत टाइम लगा सकते हैं। तो आज के बाद सीखा, कोई पूछे बेटा,
तो बोलना भाई सिविल कोर्ट के अंदर प्लांट होती है, जब एडमिट कर लेते एक एप्लीकेशन है वो प्लांट एडमिट कर, तो वो बंदा प्लेंटिव बन जाता है सामने वाला डिफेंडेंट, और वही सामने वाला एक्यूज्ड आरोपी, ठीक है, एक्यूज्ड। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं। तो और लास्ट में विंडफील्ड ने क्या बोला, पढ़ना ये लास्ट वाला क्या बोला इस बंदे। आपको नहीं लग रहा ये दो चीजों को मिक्स कर रहा है? पहले किसको मिक्स किया इसने? हाँ, तो सेटलमेंट को पहले मिक्स किया, और ये सिंपल बोल लो कि लिमिटेशन एक्ट ब्रीच ऑफ ड्यूटी, दोनों को मिक्स करके विंडफील्ड ने अपनी डेफिनेशन बना दी कि भैया टॉट में क्या है, टॉट एक वाइडर टर्म है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगी। दूसरी तरफ ये भी बता दिया कि टॉट के अंदर क्या होता है जी, जो हम रेमेडी लेते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। टॉट में जो रेमेडी मांगते हैं वो क्या होते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो अपनी लैंग्वेज में लिखना कि इसने क्या बोला। अभी के लिए लिख लो कि इसने लिमिटेशन एक्ट प्लस सेटलमेंट दोनों की डेफिनेशन को प्लस कर दिया। ये वाला पैरा भी पढ़ दो यार, पढ़ दो ये वाला पैरा, टू इंपॉर्टेंट। क्या कहानी समझ में आई? हाँ, अभी होगी थोड़ी देर में, 1:30 बजे से क्लास होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लेना आप नीचे। बाकी अगर आपको यहाँ बैग रख के जाना है तो जा सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट ड्राइव होते हैं इस डेफिनेशन के अंदर, टॉट के अंदर। भैया टॉट में क्या होता है? सिविल रॉन्ग होता है। टॉट में क्या होता है? सिविल रॉन्ग होता है। इसके अंदर हमने क्रिमिनल रॉन्ग को नहीं लिया है, क्रिमिनल लॉ रॉन्ग को हम इसके अंदर नहीं लेते। दूसरी बात, अकॉर्डिंगली इट इज नाउ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश टॉट फ्रॉम अ क्राइम और फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ट्रस्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या तो आप क्या टॉट को मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अलग कर सकते हो? यस, हम लोग क्या कर सकते हैं? टॉट को अलग कर सकते हैं। क्राइम से हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। क्राइम से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, आपको बस दिमाग में क्या ध्यान रखना है कि सर अगर क्राइम है तो टॉट नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है टॉट है। अभी रुक जाओ, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन देखते हैं यार क्या आ रहा था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा था, सुनना ध्यान से। एक ना टीचर होता है स्कूल के अंदर, एक स्कूल में क्या होता है? टीचर होता है। ये केस लॉ भी आएगा। तो एक स्कूल के अंदर एक टीचर होता है और बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी हो जाती है, बच्चों के साथ अच्छा नेचर होता है, तो बच्चे बड़ा लाइक करते हैं। स्कूल वालों के साथ उसका डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो अपना क्या करता है, स्कूल के थोड़ा सा आगे अपना एक स्कूल खोल लेता है। अब 100% में से श्वेता 90% मान के चलो कि बच्चा उसके पास चला जाता है,
होता है हमेशा, भाई बच्चे से पढ़ते हैं, टीचर बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल को दिक्कत हो गई कि भाई जितना भी हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था अब वो हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि 90% बच्चा इस क्लास चला गया। यहाँ पे जो ये है क्या स्कूल है, क्या उसको कोई लॉस हुआ? यस, उसको रेवेन्यू लॉस हुआ। तो क्या उसे मतलब क्या वो टॉट है, क्या क्या वो टॉट माना जाएगा? हाँ जी, अब देखो श्वेत, अब अपने ना दिल दिल से सोचना है, मतलब दिल से तो नहीं, दिल तो कुछ सोचता नहीं, दिमाग दिमाग से सोचो कि वो टॉट होना चाहिए ही नहीं होना चाहिए। है या नहीं है? हाँ, तो ये क्या हो रहा है, देखो मैं इसमें बताता हूँ, इसमें डैमेज है। डैमेज का मतलब आप कह रहे डैमेज नहीं है बेटा, लॉस तो हो रहा है ना, डैमेज इंक्लूड लॉस, डैमेज इंक्लूड लॉस, तो उसको डैमेज तो हो रहा है। और क्या क्या इंफ्रिंचमेंट ऑफ राइट हुआ है क्या? दो बातें हैं यहाँ पे, बात दो असली में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेनम साइन इंडिया। अभी पढ़ेंगे हम लोग, मैं तो अब बस अभी वो बात है तो बता रहा हूं। डेनम साइन इंजरिया, डेनम का मतलब क्या होता है? हार्म, लॉस, डैमेज। किस रिस्पेक्ट में? इस रिस्पेक्ट में, मनी, कंफर्ट, हेल्थ एक्सेट्रा, कुछ भी हो। यही होता है। और दूसरा क्या लिखा है? इंजरिया, इसका मतलब क्या है? इंफ्रिंचमेंट ऑफ राइट, इसका मतलब क्या है? इंफ्रिंचमेंट ऑफ राइट। और ये यहां पे एग्जांपल है और ये केस लॉ दिया हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस केस के अंदर हम क्या कह रहे हैं? टॉट नहीं है। हम क्या कह रहे हैं इस केस के अंदर? टॉट नहीं है। क्यों? हम क्यों कह रहे हैं कि ये टॉट नहीं है? एक चीज सोच के देखो, वो जो स्कूल वाला टीचर है क्या उसके पास फ्रीडम है या नहीं है? उसकी मर्जी, वो बाहर जाके पढ़ाए, कुछ करे, क्या दिक्कत? तो उसके पास ये फ्रीडम है? कोई उससे उसकी ये फ्रीडम थोड़ी ना छीन सकता है। एक मिनट, हाँ
लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे वैसे ही आगे, बस अभी एक मतलब बताना था। हम लोगों ने बोला डेनम का मतलब क्या हो गया, डैमेज हो गया, लॉस हो गया कोई, है ना। तो डैमेज हुआ है यहां पे, डैमेज हुआ है मतलब कि कोई लॉस हुआ है, प्लस यहां पे इंजरी भी हुई है। नहीं, इंजरी यहां पे नहीं हुई कोई, मतलब इंजरी थोड़ी ना हुई उसको, कोई इंफ्रेसमेंट ऑफ राइट थोड़ी ना हुआ, कोई उनका राइट थोड़ी ना छीना है, कोई उनका राइट थोड़ी। मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, आपके पास अच्छा टैलेंट है, आप दूसरी कंपनी में चले गए, तो भाई उसको उससे लॉस हो गया उस कंपनी को कि इतना अच्छा टैलेंटेड बंदा मतलब हमारी कंपनी छोड़ के चला गया, लॉस तो हुआ है उसको, पर इंजरी हमने थोड़ी ना कोई की है, हमने कोई उसका इंफ्रिंचमेंट ऑफ राइट नहीं किया। उसी तरीके से टीचर चला गया तो डैमेज तो हुआ, ये नहीं हुआ। तो हम इस केस के अंदर क्या कह रहे हैं, ये टॉट नहीं माना जाएगा, ये टॉट नहीं माना जाएगा। पर अब उल्टा आ जाओ, हम कह रहे हैं इंजरी है, इंजरी है, डैमेज नहीं है, तो टॉट है। देखो इंजरी कैसे है, इंफ्रिंचमेंट ऑफ राइट, वोटर आईडी वाला बता रहा था मैं, वोट नहीं देने दिया उसको, उस बंदे को वोट नहीं देने दिया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर, क्या उसका इंफ्रिंचमेंट ऑफ राइट हुआ है नहीं हुआ, यस वोट देने का राइट था, पासपोर्ट समझ गए कुछ, तो इंफ्रिंचमेंट ऑफ राइट हुआ सर, पर डैमेज तो नहीं हुआ ना, वोट उसने नहीं दिया उससे कोई डैमेज नहीं हुआ। डैमेज क्यों नहीं हुआ, जो पार्टी जीती उसी को उसने वोट देना था, जो पार्टी जीती है उसने उसी को क्या करना था, वोट देना था, तो भाई डैमेज तो कुछ भी नहीं हुआ है। पर क्या वो टॉट है, यस वो टॉट है, बस ये एक करक्स लिख लो उस पैरा का, ये एक करक्स था। स्कूल वाला केस बेटा बस वो, ये सिंपल सा केस था, वैसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो, अभी के लिए सिंपल सी इतनी बात थी कि जो टीचर और पढ़ा रहा है उसकी वजह से डैमेज तो हो रहा है, लॉस तो हो रहा है मनी वाइज, पर वो किसी का इंफ्रिंचमेंट ऑफ राइट नहीं कर रहा, तो इसलिए वो टॉट नहीं कि हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ये तो वो पैरा आया था, तो उस पैरा के लिए मैंने ये कहानी बताई आप। बाकी क्या है ना, ये वर्डिंग बड़ी वैसी लिखते हैं, पहले दो पैरा की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो पहले पैरा में बस यही बताया गया कि इसका लॉ नहीं है, बट आपको पता ही है कि भैया जो ह्यूमन बीइंग है उसके साथ तो कुछ भी गलत हो सकता है, पर हर गलत चीज जरूरी थोड़ी ना कि टॉट हो। जैसे यहां पे है ना कि डैमेज हुआ है, इंजरी नहीं है, टॉट नहीं है सर। तो ऐसा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना शिखर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सर अभी क्या था, बस अभी तो ऊपर ऊपर बता दिया आपको, चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया फ्रॉम माय साइड। तो आप आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। असली में ग्रुप 2 की भी क्लास है तो फिर वो थोड़ा लेट हो जाएगी उनमें।